गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग साइंस वर्क रेगुलरली. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल लाइक मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक and we will discuss about non-contact forces. Non-contact forces are those in which two objects are not in direct contact with each other. So it is clear from its name, that means when two bodies are not in direct contact with each other, then this type of force is known as a non-contact force. Some example of non-contact forces are given to you, like gravitational force, magnetic force. As you know that gravitational force is due to Earth's gravity. All the object like apple, ball, stone, when you throw it, it come back to the Earth's surface due to Earth's gravity, and this force is known as a gravitational force. आपको पता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो वापस वो नीचे आ रहा है अर्थ पे, किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो बॉल और अर्थ दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स मीन्स यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ टू मैग्नेट्स. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट नॉर्थ पोल्स रिपेल ईच अदर. These two magnets are not in direct contact with each other, still they are applying a force on each other, and this type of force is known as a magnetic force. आपको दोनों पिक्चर दिखाई दे रही हैं बेटा, आपको पता है कि मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. फर्स्ट पिक्चर में नॉर्थ नॉर्थ पोल एरो रिपेल कर रहे हैं, दैट मीन्स सेम पोल रिपेल करेंगे. मतलब ये दोनों जो मैग्नेट हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है. उस फोर्स को क्या बोला हमने? मैग्नेटिक फोर्स. इसी तरह से सेकंड पिक्चर में देर आर टू पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ पोल, एंड दीज अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. सो इट इज क्लियर टू यू, ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दैट मीन्स इन बोथ द फोर्सेज टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट, डू यू नो इज गिवन टू यू, a single isolated force doesn't exist. As you know, when we break the magnet, then always there are two poles, north and south. Like this, force doesn't exist in single form, it also always exists in a pair. Force are always pushes or pulls between two objects, so that always occur in pairs. जैसे आप चार्ज के बारे में बताते हो बेटा, चार्जेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर example, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लाइक दिस फोर्सेज ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर्स. नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद इलेक्ट्रिक फोर्स. देयर टू रोड्स आर गिवन टू यू, फर्स्ट रोड इज एबोनिट एंड सेकेंड रोड इज ग्लास रोड. वेन यू विल टेक ग्लास रोड टूवर्ड्स एबोनिट रोड, दे बोथ विल show different type of charges. There will be positive charge on one road and negative charge on another road. But when you rub same roads like abonnet road, then they show similar charge. So in this, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like means if both are negative or positive, they will repel. And if one charge is positive or other charge is negative, then they will attract each other. ये आपको पता ही, आप 7th standard में कर चुके हो बेटा electric forces के बारे में. अगर दोनों object पे same charge है तो same charge repel करेंगे, and जो opposite charges हैं वो attract करते हैं. For example, आपने किया था ये 7th में, जब आप अपने hairs के साथ में comb को rub करते हो, then this comb will become get charged. And when you take bits of paper towards the comb, then this will attract bits of paper. वो छोटे छोटे papers को अपनी तरफ attract कर लेती है comb. Why? This is due to electric force. And electric force is a type of non-contact force because comb and bits of paper are not in direct contact with each other. So electric force,
ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ एक्टिविटी इज गिवन टू यू. इन दिस एक्टिविटी फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशंस. आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है. फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के टाइम पे जब आप ऑक्सीजन को अंदर लोगे या फिर एक्सहेल करते हो उसको बाहर निकालते हो, तो आपको बताना है नेचर ऑफ फोर्सेज. इज दिस कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट एंड काइंड ऑफ फोर्स, मस्क्यूलर, ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल. अब आपकी लंग्स जो एक्सपेंड हो रही हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड काइंड ऑफ फोर्स इज मस्क्यूलर. आपकी मसल्स वर्क कर रही हैं इसमें, तो कौन सा फोर्स होगा, ये मस्क्यूलर फोर्स होगा. इसी तरह से सेकेंड आपको बताना है, टू प्लास्टिक रिफिल्स रब्ड विथ पॉलिथीन एंड कैप्ड नियर ईच अदर. प्लास्टिक के पॉलिथीन को आपने रब किया, देन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. दिस इज टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट. आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर रब करोगे तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों भी हो सकते हैं इसके अंदर. काइंड ऑफ फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स. वाई, क्योंकि जब आप प्लास्टिक पॉलिथीन को रब करोगे तो प्लास्टिक पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा. सो दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स. नेक्स्ट आपको फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स दे रखा है. फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा रेन का और अर्थ का, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है एक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. नाउ यू ऑल आर फैमिलियर विद फोर्स. फोर्स डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट. इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू अ कैरी स्कूल बैग विद अ थिन स्ट्रिंग, बट इट इज़ ईजियर टू कैरी द सेम स्कूल बैग वैन इट इज़ टाइड टू ब्रॉड स्ट्रैप्स. बेटा अगर आपके स्कूल बैग्स की स्ट्रिप्स अगर बिल्कुल पतले से होंगे तो आपको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एरिया इज स्मॉल. और अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. बट अगर बैग के स्ट्रैप्स अगर वाइड होंगे देन देयर विल बी लेस प्रेशर बिकॉज एरिया इज मोर. सो फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज एरिया. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग 4 न्यूटन फोर्स, 5, 10, जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. एंड एरिया मीन्स जितने एरिया के कॉन्टैक्ट में होगा. इफ एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर विल बी लार्ज, बिकॉज एरिया एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर. व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर इज द थर्स्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर फॉर्मूला दे रखा है आपको बेटा, थ्रस्ट अपॉन एरिया. एंड नाउ व्हाट इज थ्रस्ट हियर? थ्रस्ट मींस परपेंडिकुलर फोर्स. यू ऑल आर फैमिलियर विद फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट? थ्रस्ट मींस परपेंडिकुलर फोर्स. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, दैट मींस 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगेगा, देन दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट. थ्रस्ट अपॉन एरिया दिस इज इक्वल टू प्रेशर. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू लर्न एंड राइट फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज थर्स्ट अपॉन एरिया. एंड वन एग्जाम्पल वी डिस्कस अबाउट दैट, वेन वी कैरी स्कूल बैग देन स्कूल इफ स्टेप्स आर वाइड देन वी कैन ईजिली होल्ड द बैग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपके बैग के स्टेप्स वाइड हैं तो आप उसको इजीली होल्ड कर लोगे, बट अगर स्टेप्स थिन हैं तो बैग को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा लगेगा एट थिन स्ट्रिंग्स. अगर बैग के स्टेप्स जो हैं वो थिन हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा और बैग को कैरी करना डिफ़िकल्ट होगा. तो दो क्वेश्चन आपको क्लियर हुए इसमें, इस टॉपिक में. In case of solids, force can be applied in any direction with respect to their surface. However, in case of fluids at rest, the force must be applied at right angles to the liquid surface. Solid पे बेटा किसी भी direction में हम force apply कर सकते हैं, tangential or you can say perpendicular. But in case of fluid, fluid means liquid and gases.
In case of liquid and gases, force must be applied at a right angle. Right angle means always perpendicular direction. So it is clear to you. सॉलिड के केस में फोर्स किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फ्लूड मींस इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू द लिक्विड सरफेस. मस्ट मींस कंडीशन दे दी आपको कि फोर्स लिक्विड और गैसेस के केस में हमेशा कहाँ पर लगना चाहिए, राइट एंगल पे. इट फॉलोज दैट प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग. सो it is clear to you that pressure depends on area. Sometime pressure doesn't depend on force. Suppose that if force is same, then pressure depend on area. If pressure area is large, then pressure will be small. प्रेशर बेटा दो बातों पे डिपेंड कर रहा है. एक तो हम बता रहे हैं फोर्स, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स. प्रेशर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. अगर फोर्स सेम है, फोर्स वेरी नहीं कर रहा, तो उस केस में प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एरिया पर. एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर विल बी लेस, एंड इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम, मतलब बोथ इन्वर्सली डिपेंड करेंगे. Do you know pressure always acts normal to the surface and it is always compressive in nature. Pressure क्या करता है, compress करेगा किसी भी object को. Look at this activity. We are taking clay on the table and putting a wooden box, but you can see that in all the three conditions shape of wood is different. मतलब आप जो वुड को रख रहे हो इस क्ले के अंदर, तीनों की पोजीशन अलग अलग है. फर्स्ट हमने कैसे रखा वुड को, लेंथ वाइज. इन सेकंड केस वी आर पुटिंग इन दिस वुड इन क्ले ब्रेथ वाइज, दैट मीन्स थिकनेस वी आर टेकिंग. एंड इन थर्ड केस वी आर पुटिंग दिस बॉक्स इन क्ले हाइट वाइज. क्लियर हुआ, तीनों केसेस में आप जो रख रहे हो वुड को, फर्स्ट में लेंथ वाइज रखा, सेकेंड में विड्थ वाइज, एंड थर्ड में हाइट वाइज रख रहे हो. एंड तीनों केसेस में आपने बुक रखी हुई है उसके ऊपर, तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जो क्ले डिप्रेस हो रही है, मतलब क्ले जो मूव कर रही है ज़्यादा, वो किस केस में, इन थर्ड केस, मतलब जब आपने उसको हाइट वाइज रखा. वाई, क्योंकि जब आप इस वुड को हाइट वाइज रख रहे हो देन एरिया इज स्मॉल, एंड इफ एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर विल बी लार्ज. सो दिस विल एग्जर्ट अ लार्ज प्रेशर. तीनों केसेस में क्ले सेम है, वुड सेम है, बट आपने वुड की पोजीशन को चेंज किया. फर्स्ट केस में आपने वुड को लेंथ वाइज लिया, सेकंड में विड्थ वाइज, और थर्ड केस में हाइट वाइज. जब आप इसको हाइट वाइज ले रहे हो बेटा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज लेस, सो इट विल एग्जर्ट अ लार्ज प्रेशर एंड क्ले विल मूव, और यू कैन से क्ले विल डिप्रेस्ड. बट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द क्ले इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस. तीनों केस में फोर्स सेम लग रहा है, बट एरिया चेंज हुआ, तो एरिया चेंज होने की वजह से जो प्रेशर होगा दैट विल ऑल्सो चेंज. इन थर्ड केस देर विल बी मोर प्रेशर. नेक्स्ट इज सम एप्लीकेशंस आर गिवन टू यू, एंड दीज एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ अ गिवन सरफेस थ्रू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर विल बी डिक्रीज, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको बस. अगर आपको ये बात क्लियर होगी देन यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर विल बी हाई, बट इन दिस केस ही इज सेइंग दैट एरिया इज लार्ज, एरिया इज इंक्रीजेज सो प्रेशर विल डिक्रीजेज. यू कैन टेक एग्जाम्पल, देर आर सम एप्लीकेशंस गिवन टू यू. एप्लीकेशन मीन्स इन डेली लाइफ वेयर यू यूज्ड. फर्स्ट इज बसेज एंड ट्रक्स यूजली हैव डबल व्हील्स ऑन द रियर साइड्स. बसेज और ट्रक के आपने देखा होगा बेटा डबल व्हील्स होते हैं. डबल व्हील्स क्यों होते हैं, टू इंक्रीज एरिया एंड टू डिक्रीज प्रेशर.
ट्रक का जब हम व्हील्स को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा तो रोड पर प्रेशर कम लगेगा, मतलब रोड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट है इसी तरह से बिल्डिंग जो हैं एंड डैम्स, उनके बेस भी वाइड रखे जाते हैं। वाइड क्यों रखते हैं बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एंड थर्ड, टैंक्स एंड बुलडोजर्स आर फिटेड विद कैटरपिलर ट्रैक्स। कैटरपिलर मीन्स उनके सिंपल व्हील नहीं होते, चेन के अंदर व्हील्स लगे होते कैटरपिलर टाइप के। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड इट विल डिक्रीज प्रेशर। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एंड प्रेशर विल बी लेस। रेलवे ट्रैक में वुडन स्लीपर्स लगे होते हैं या फिर आयरन स्लीपर्स, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट एरिया विल बी लार्ज सो प्रेशर विल बी लेस। ये सब हम जो कर रहे हैं वो किस लिए, ताकि रोड पर प्रेशर कम लगे, रोड ब्रेक ना हो और एरिया ज़्यादा होगा। सो दीज ऑल एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन लार्ज सरफेस एरिया एंड लेस प्रेशर। नेक्स्ट इज, there are many situations where we need to have a larger pressure due to a given force. In such cases, we decrease the area over which the force acts. For example, it is easier to cut with a sharp knife than a blunt knife. इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं एंड एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर लार्ज होगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखना। फर्स्ट हमने क्या बोला, इट इज़ ईजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ। शार्प नाइफ से कट करना ईजी होता है देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट मीन्स जो शार्प ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जिससे हम बटर या फिर जैम लगाते हैं वो नाइफ देखा होगा आपने, वो ब्लंट होता है नाइफ। और जिससे वेजिटेबल कट करते हैं वो नाइफ शार्प होता है। तो शार्प नाइफ से कट करना ईजियर होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप आंसर क्या दोगे, बिकॉज एरिया ऑफ शार्प नाइफ इज लेस एंड प्रेशर विल बी मोर। एरिया कम होगा शार्प नाइफ का, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को ईजिली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेल्स पिन्स स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड सो दैट दे कैन बी ड्राइवन इन टू सर्फेस विद मिनिमम एफर्ट्स। स्पाइक्स बेटा जो आपके शूज़ पे रबड़ के जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, दैट आर दीज आर नोन एज स्पाइक्स। नेल्स और पिन्स आप जो लगाते हो, आपने देखा होगा ड्रॉइंग पिन्स होती हैं या फिर नेल्स आप यूज़ करते हो, उनके एंड्स कैसे होते हैं बेटा, पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके। वाई, सो दैट एरिया कम होगा, पॉइंटेड मीन्स एरिया लेस है, एरिया लेस होगा तो वो जल्दी से प्रेशराइज हो जाएगा एंड हमें कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पुट करने के लिए। नेल्स को पिन्स को अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में पुट करना है, इंसर्ट करना है, तो इजीली हो जाएगा मिनिमम एफर्ट के साथ, क्योंकि इसका एरिया कम है और प्रेशर ज़्यादा होगा। सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू बेटा। दिस बोथ टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस एप्लीकेशंस मीन इन डेली लाइफ वेयर वी यूज। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड प्रेशर। लिक्विड मीन्स इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर। अगर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, दैट टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज लिक्विड प्रेशर। और यू कैन से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक? हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो मीन्स वॉटर एंड स्टेटिक मीन्स एट रेस्ट। जब वाटर रेस्ट पोजीशन पर है, वाटर और यू कैन से लिक्विड, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट पोजीशन। जब लिक्विड रेस्ट पोजीशन पे होगा तो जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा, देन दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक और लिक्विड प्रेशर। वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू। यू हैव टू टेक अ पाइप, ट्रांसपेरेंट पाइप, एंड लेंथ ऑफ पाइप शुड बी 15 to 20 centimeters एंड डायमीटर शुड बी अबाउट 6 centimeters। नाउ टेक अ स्ट्रेचर रबड़ बैलून आपने क्या किया, बॉटम पे बैलून लगाया, ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर पोर करोगे, इसमें क्या कर रहे, आपने टेस्ट ट्यूब में वाटर को पोर कर रहे हो, तो बलून क्या करेगा, ब्लश मीन्स आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड केस में जब
वाटर का लेवल ज़्यादा है तो बलून ज़्यादा आपको ब्लस दिखाई दे रहा है. Why this occurs? Because liquid exerting pressure on at the bottom of container. Bottom पे pressure लगा रहे liquid. Pressure जब ज़्यादा liquid होगा तो ज़्यादा pressure लगेगा और जो balloon है वो ज़्यादा आपको blood bulges होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर. But first case में जो bulge हो रहा है वो less होगा. Clear हुआ? आपने क्या किया, दो beaker लिए, water को आपने put किया, तो first case में balloon कम bulge होगा, सेकेंड केस में ज़्यादा होगा. रीज़न, क्योंकि सेकेंड केस में वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसके ऊपर. एक्टिविटी 8, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम बेटा. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ वन बोतल एंड आपने किया क्या बेटा, एक बोतल ली, उसमें फोर होल्स किए इक्वी डिस्टेंस. आपके होल दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर होल्स किए हमने. एंड इनके होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस शुड बी सेम. नाउ यू विल टेक सेलो टेप. सेलो टेप का क्या करोगे आप, जब आपने होल किए तो इसके ऊपर सेलो टेप लगा दोगे यहाँ पर. देन पुट वाटर, इस पर आपने वाटर पुट किया, जो आप बोतल ले रहे हो बोतल में वाटर डालने के बाद आप सेलो टेप को रिमूव कर दोगे. ठीक है, सेलो टेप रिमूव की तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लिक्विड फॉल करेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड कंटेनर से बाहर आएगा. फर्स्ट केस में जो बॉटम में मतलब डेप्थ में वाटर है उसका देखो, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे गिर रहा है, और जो जितना हाइट पर है, हाइट पे क्या हो गया, जो वाटर गिरेगा ग्राउंड लेवल पर उसकी डिस्टेंस कम है. क्लियर हो रहा है बेटा आपको, जो हाइट पर वाटर है उसकी डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से कम है, और जितना ज़्यादा डेप्थ पर है, जितना ज़्यादा नीचे है वाटर, वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर से वाटर गिरेगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. सो इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुआ आपको, दैट डेप्थ पर जितनी ज़्यादा डेप्थ पर होगा ऑब्जेक्ट लिक्विड, उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा. ये एक्टिविटी क्लियर हुई. इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको, आपने एक बोतल ली, उसके अंदर आपने फोर होल्स किए, वाटर पुट किया, सेलो टेप को रिमूव किया. देन यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर विल स्ट्रीम्स विल कम आउट एंड वी ऑब्जर्व स्ट्रीम फ्रॉम द लोअर होल्स ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस. जो लोअर होल है वहाँ पे स्ट्रीम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड स्ट्रीम एट अपर, जो अपर होल से स्ट्रीम आ रही है वो कम डिस्टेंस को कवर करेगी. रीज़न क्या बताओगे, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, एट डेप्थ. जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा. और इस केस में आपको एक बात और गिवन है, दैट डेंसिटी पे डिपेंड करता है. आपको पता है कि वाटर और ऑयल में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, डेंसिटी मीन्स थिकनेस. वाटर मतलब आप डिफरेंट तरह के लिक्विड लेके चलोगे तो प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा. वाटर अलग प्रेशर लगाएगा, अगर आप वाटर के प्लेस पर ऑयल लेके चलते हो तो ऑयल डिफरेंट प्रेशर लगाएगा. मतलब ऑयल की जो स्ट्रीम आएगी वो हो सकता है कि स्ट्रीम कम हो वाटर से. वाटर से कम क्यों होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम. तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, डेंसिटी पे. You can do this activity at your home. Today your work is that you have to learn about pressure, its application, and these two activity you can do better.